सबाई दिखा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम हैं थाईलैंड में, और थाईलैंड में हमारा इमिग्रेशन कंप्लीट हो चुका, यानी कि हमारे पासपोर्ट पर पहली बार किसी देश का स्टंप लगा है। अंदर से इतनी खुशी हो रही है जिसका इजहार हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप थाईलैंड आते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी, अपने साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे, वो सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पासपोर्ट हमारा रेडी था और हमें एक सस्ता टिकट लेना था थाईलैंड का, तो हमें सबसे शानदार जो ऑप्शन दिखाई दिया वो दिखाई दिया स्काई स्कैनर का। हमने स्काई स्कैनर का प्रयोग किया और हमें 14,000 रुपये में इंडिया टू इंडिया फ्लाइट टिकट मिल गई। और लगभग 17 से 18 घंटे जर्नी करने के बाद गोरखपुर से हम पहुंचे कोलकाता। पहुंचने के बाद जो सबसे बड़ी हमारे सामने प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम आई मनी एक्सचेंज की, क्योंकि यहाँ पे जो मनी एक्सचेंज का रेट मिल रहा था इतना बकवास मिल रहा था कि मेरा दिल टूट गया। तब मुझे एहसास हुआ कि मनी एक्सचेंज हमें गोरखपुर से ही करा कराना चाहिए था। फिर किसी प्रकार से हमने ऑनलाइन सर्च किया तो हमें एक मनी एक्सचेंज कलकत्ता में ऐसा मिला जो कि हमें एक अच्छा रेट दिया, लेकिन एयरपोर्ट से उसका ऑफिस लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर था। एयरपोर्ट पर हमें इंडियन इमिग्रेशन में जाना पड़ा, जहाँ पे इजीली उन्होंने हमें फ़्लाइट में जाने की इजाज़त दे दी। हमारी फ़्लाइट थी रात के 12 बजे के आसपास। सुबह होते होते हम पहुंच गए थाईलैंड के दान म्योंग एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। जब हम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो डर हमें बहुत लग रहा था। मैंने अपना बैग उठाया और सीधे इमिग्रेशन जो ऑफिसर हैं उनके काउंटर के पास पहुंचा। वहां पे जाने के बाद मुझे दो लाइन दिखाई दी, एक लंबी लाइन थी और एक छोटी लाइन थी। जिस लाइन में लोग नहीं लगे हुए थे, लाइन छोटी थी और जिसमें पूछताछ नहीं हो रहा था, मैंने उस लाइन में लगना पसंद किया और इन्हें 200 थाई बात दे दिया और ये छोटा सा हमारा फिंगरप्रिंट लिए और ऑफिशियली अब हम थाईलैंड में हैं। अब हम बताते हैं कि अगर आप थाईलैंड में आते हैं तो आपके पास कौन कौन से कागजात होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर थोड़ी सी लापरवाही आप कर देंगे तो यहाँ से ये लोग आपको डिपोर्ट कर देंगे वापस इंडिया। वैसे हमसे तो इन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि हम 200 थाई बात इनको ऑलरेडी दे चुके थे। अब हम बात करते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए अगर आप इंडिया से थाईलैंड आ रहे हैं हमारी तरफ पहली बार। तो आप एक चीज़ याद रखिए, आप अपने पास $400 रखिए, जो सो मनी के रूप में आप यहाँ पर दिखा पाएंगे, जो कि आप वापस जाएंगे वो पैसे आप ही के रहेंगे, उसको खर्च करने की ज़रूरत है नहीं। बस इन्हें दिखाने के लिए कि आप थाईलैंड में जा रहे हैं तो वहाँ पर जाने के बाद पैसे खर्च करेंगे। हाँ, ये मांग सकते हैं, नहीं भी मांग सकते हैं, तो अपनी सेफ्टी के लिए इसे आप ज़रूर रखें। दूसरा, आप फ्लाइट की जाने की टिकट और आने की टिकट दोनों अपने साथ रखें, कभी मांगते हैं कभी नहीं मांगते हैं। आना तो आपको है ही, अगर यहाँ आना है
तो इंडिया वापस आना है तो वो तो ठीक है, अगर इंडिया वापस नहीं आना है, आपको यहाँ से कहीं और जाना है, तो फ्लाइट टिकट आप ऐसा बुक करिए जो कि फुल्ली रिफंडेबल हो, जिसका जब आप कैंसिल करें तो वो पैसे आपको वापस मिल जाएं। तीसरा, आप जितने दिन यहाँ पे रहेंगे उसकी होटल बुकिंग आप booking.com से बिना पैसे दिए कर सकते हैं, वो भी आप अपने पास रखिए। चौथा, आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, 4 फोटो होना चाहिए, 4x6 cm में, जिसमें आपका जो चेहरा है वो 75% दिखे। और आप अपने पास एक पेन रखिए, क्योंकि यहाँ पे पेन देने वाला कोई नहीं होता है। और एक आप इंटरनेशनल अपना ट्रेवल इंश्योरेंस करिए, जो कि लगभग 600 रुपये के आसपास पड़ता है। ट्रेवल इंश्योरेंस हमारी बात मान के आप ज़रूर करिएगा, बिना ट्रेवल इंश्योरेंस के आप थाईलैंड में या किसी अदर कंट्री में मत जाइएगा, क्योंकि बहुत रिस्की होता है। अगर खुदा खास्ता आपके साथ कोई घटना घटती है तो फिर आप मुसीबत में फंस सकते हैं। तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए थे और इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बस कैरी कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे कंबोडिया भी जाना है, उसका भी डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव वीडियो था, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें बस मैं ये वीडियो इसलिए बनाया हूँ कि एक आम आदमी आसानी से थाईलैंड कैसे पहुंच सकता है। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।